नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आरजेडी सुप्रीमो लालू परिवार के यहाँ ईडी की छापेमारी इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इसको लेकर बिहार में खूब राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। करीब 12 घंटे से अधिक समय तक चली छापेमारी। बीजेपी इस मुद्दे पर महागठबंधन सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं इस मामले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जानकारी दी जा रही है कि मेरे यहां ईडी की छापेमारी में खजाना मिला है। इस क्रोनोलॉजी को समझना होगा कि जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन भी छापेमारी चल रही थी। क्या मिला यह बताया जाए। ईडी को ठेंगा मिला, अभी खबर चलाएंगे बहुत कुछ मिला। और बीजेपी ऐसे व्यवहार कर रही है कि जैसे अदानी हम ही हैं। इसके अलावा उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मेरी शक्ल अदानी से मिलती है या ईडी सीबीआई कंफ्यूज हो गई है। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि सीबीआई शेर जैसे दहाड़ेंगे और 10 दिन बाद म्याऊं म्याऊं हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी बहनों को परेशान किया जा रहा है और उनके यहाँ छापेमारी हो रही है, वो राजनीति में भी नहीं है। मेरी कई बहनों की शादी इस मामले के बाद हुई है, उसके घर भी छापेमारी की गई। यूज्ड ज्वेलरी की फोटो खींचकर ईडी लगा रही है और दिखा रही है कि लालू परिवार के यहाँ से ये मिला। घर में जब सब देख लिया तब ईडी के अधिकारी ने कहा कि हमें बैठने के लिए कहा गया है, ऊपर से फोन आएगा तो चले जाएंगे, हम लोग डरने और झुकने वाले नहीं हैं। अब तो अमित शाह को इनके डायरेक्टर को बदल देना चाहिए। बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली है। बीजेपी को पता चल गया है कि आरजेडी से लड़ने की उनकी औकात नहीं है। दरअसल ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत मिलने का दावा किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के रूप में लालू के कार्यकाल में कई लोगों को ग्रुप डी में नौकरी मिली। बदले में लालू के परिवार के सदस्यों और एक इन्फो सिस्टम कंपनी के नाम पर उसकी जमीनें बहुत कम कीमत पर ट्रांसफर की गई। सच तो ये है कि बीजेपी सरकार ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल जमकर विरोधियों के लिए किया है। और सच तो ये है कि बिहार बीजेपी का काट आरजेडी है। जब तक वो आरजेडी को गिराएगी नहीं उसकी सरकार बनेगी नहीं, इसलिए किसी न किसी तरह आरजेडी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।